23 दिसंबर 1912 ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी। इस शोभा यात्रा की सुरक्षा में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई सुरक्षा कर्मी सादा कपड़े पहनकर हफ्तों पहले दिल्ली में फैल चुके थे। लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार थे तथा उनकी सुरक्षा के लिए उनके आगे पीछे हथियारों से लैस हजारों घुड़सवारों की काफिला थी। जब यह काफिला चांदनी चौक पहुंचा तो यह दृश्य देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काफी महिलाएं छत से भी देख रही थी। उसी भीड़ में बसंत कुमार बिस्वास, जो कि बंगाल की प्रमुख क्रांतिकारी संगठन युगांतर का सदस्य थे, उन्होंने भी एक महिला का भेष बनाया और शोभा यात्रा देखने लगे। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग की काफिला छत के थोड़ी नजदीक आया, बसंत कुमार बिस्वास ने मौका पकड़ हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया। बम फेंकते ही जोरदार धमाका के साथ पूरा इलाका धुआं से भर गया। लॉर्ड हार्डिंग बेहोश होकर गिर पड़ा तथा चोटें भी गंभीर आई। हार्डिंग को मारने का प्लान था, मगर खुश नसीबी से वो बच गया। कुमार बिस्वास वहां से भागने में कामयाब हुए। इस घटना को दिल्ली बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।